अब मैं जा रहा हूँ खाडुंगला से नुब्रा वैली की तरफ, और बहुत ही मस्त लोकेशन है भाई साहब, 18,000 की फीट पर, और ये पूरा स्नो हो रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे पूरी फ्रेश स्नो है ये, जो कि गली नहीं है अभी तक, आप देख सकते हैं। ओह क्लियर है, लेंस को साफ़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जो स्नो है वो और क्लियर दिखे। और यही रूट अब नीचे से होता हुआ नुब्रा वैली की तरफ जाएगा, और जो आज का स्टे होगा वो नुब्रा वैली के आसपास कहीं करूँगा, या तो बिस्किट या फिर हंडर कुछ भी बोलते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, और मैं चल पड़ा हूँ इस समय नुब्रा वैली की तरफ। वाह क्या व्यू है, मतलब आपको सितंबर 2021 में अब स्नो गिरना शुरू हो जाती है गाइस, क्योंकि ऐसी स्नो नहीं होती, और अब ये कभी भी डेली भाई साहब रोज़ गिरेगी, स्नो रोज़ गिरेगी, रोज़ अच्छी खासी स्नो हो रखी है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाथ में उठा लेता हूँ, ताकि एक बार फील कर सके कि मैं भी खाडुंगला पास में था और यहाँ पे आया था। ये देखो ये, ओ माय गॉड, ये दिस इज स्नो, पूरी टाइट हो रखी है, फ्रेश नहीं है, लेकिन कल की होगी, परसों की होगी, दो दिन की होगी, तो मस्त है भाई साहब, मस्त है। तो चल पड़े हैं भाई हम नुब्रा वैली की तरफ, सी क्या व्यू है यार, ओ माय गॉड, ये आप देख सकते हैं पत्थर कैसे स्टक हो रखे हैं, और जब ये पूरा स्नो से कवर हो जाएगा तो हमें लगेगा कि हम चारों तरफ हिमालय से ढके हुए हैं। बस अब यहाँ तक स्नो है, इसके बाद नीचे क्लियर है, नुब्रा डाउन साइड में आता है, तो चल पड़ते हैं नुब्रा की साइड। सो वेलकम बैक अगेन, अगर आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, और आई एम गोइंग टू नुब्रा, और अगर आपका भी मन कर रहा है तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं, तो आराम से खाडुंगला की तरफ आइए और पूरा इन्जॉय कीजिए यहाँ पर आकर। तो ये था टॉप खाडुंगला पास का, दिस इज़ द टॉप ऑफ खाडुंगला पास दिस वन, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। रोड अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से नुब्रा की तरफ जा सकते हैं, नुब्रा वैली की तरफ जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रोड कैसी है, बहुत अच्छी रोड है, और यहाँ से 70 के आसपास होगा नुब्रा। जब भी हम नीचे से कोई भी टॉप देखते हैं स्नो का, तो लगता है काश हम भी वहाँ पहुँच जाएं, और मैं तो वहाँ पहुँच गया, बाकी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप भी पहुँच जाइए वहाँ पर। थोड़ा सा ऑफ रोड, हल्का हल्का, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो ज़मीन पे आके गिरते हैं, और उसके बाद फिर लोग साफ़ करते हैं, तो जब गिर जाते हैं तो सड़कें टूट जाती है, और ये बन जाती है ऑफ रोड। सारा का सारा मिलिट्री का एरिया है, और यहाँ पे मिलिट्री के जवान तैनात हैं। हम 15,300 फीट की हाइट पर है अभी भी, बट मुझे ऐसा अभी फील नहीं आ रहा कि मैं हाइट पे हूँ, क्योंकि
मैं आ रहा था 18,000 की हाइट से और अब 15,000 पे हूँ, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल लग रहा है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लेना चाहिए 2 मिनट का। तो अभी आ गया एक फिर से एक चेक पोस्ट और यहाँ पे आराम से डीप ब्रेक कर सकते हैं। ये पीछे देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ नुब्रा वैली की तरफ और स्पीड रह गया है 60-66 के आसपास। तो अभी मैंने ये चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और मैं निकल पड़ा हूँ हुंडर और डिस्किट की तरफ, जो कि 60 से 80 किलोमीटर के आसपास है ये एरिया। और आई होप कि मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे सिग्नल मस्त आ रहे हैं, मस्त। मेरे एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है और अच्छा सिग्नल आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया था, मेल वेल चेक कर, इंटरनेट चल रहा है, तो यार और क्या चाहिए। सो मैंने पता किया कि जो नुब्रा वैली है उसके अंडर में ही ये छोटी छोटी जगह आती हैं, डिस्किट हो गया, हुंडर हो गया। और अगर आपको पाकिस्तान बॉर्डर देखना है तो आप टुकटुक जा सकते हैं वहाँ से। बहुत ही डिफरेंट और अलग सी लोकेशन है वो, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया टुकटुक को, और वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है एकदम टुकटुक। ये भाई लोग भी इधर उधर से आए हैं अलग अलग स्टेट से और लेह पे आके रेंट पे बाइक ली है लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए। इस भाई का पीछे का ब्रेक ख़त्म हो गया है तो अभी बहुत आराम आराम से चला रहा है ये। तो सही है यार, धीरे धीरे चलाओ, सेफ्टी फर्स्ट है। आगे की ब्रेक है लेकिन अभी दबाओगे एकदम से आगे की तो स्केट कर सकती है ना बाइक। ठीक है, आराम आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी भाई चल रहा है। मैंने कहा था कि आपको हर जगह जगह पे होम स्टे, रेस्टोरेंट और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पे। ये भी यहाँ से नदी आ रही है, अभी इसका भाव कम है, देखिए कितना थोड़ा सा है। और वाह, व्हाट अ व्यू, सामने से सन सीधा रिफ्लेक्ट कर रहा है कैमरे की तरफ, और अगर इधर देखें तो पूरा आपको दिखेगा क्लियर व्यू। दिस इज खारडूंग अल्टीट्यूड 14,730। तो ये खारडूंग विलेज है, खारडूंग गांव, और 14,000 की हाइट पर, और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने में। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड की तरह मस्त, यहाँ पे आराम से एक छोटा सा स्टेडियम बनाओ और क्रिकेट खेलो। तो दिस इज़ खारडूंग विलेज और बहुत मस्त लोकेशन है ये। आपको यहाँ पे होम स्टे मिल जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सी इतना बहुत सारे यहाँ पे होम स्टे है, आप आराम से यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं। और दिस इज़ द लोकेशन, हर जगह पे यहाँ पे पूरा आप कहीं पे भी रह सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वाओ, खारडूंग कैफेटेरिया, खाना हर चीज़ अवेलेबल होगी। कितना प्यारा गांव है यार, मस्त भाई साहब, मस्त, मज़ा आ गया देखकर। ओह माय गॉड, ग्रीनरी, वाओ, ग्रीनरी शुरू हो गई। मतलब आप देख सकते हैं कि ले के चारों तरफ कितना खूबसूरत है लद्दाख। ओह माय गॉड, क्या रोड है ये, स्ट्रेट। पीछे देखा था आपने, बहुत सारे बाइकर्स थे जो ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी यहीं आसपास में होम स्टे करेंगे, बट फिलहाल मैं जा रहा हूँ आगे डिस्किट हुंडर की तरफ। मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कहाँ पर स्टे होगा, बट आई होप कहीं ना कहीं तो होगा। सो लेट्स गो। सो आप देख सकते हैं ये वैली को,
नीचे किस तरीके से मतलब माउंटेन्स ने अपनी शेप्स ले रखी है यहाँ पे, और जो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो, रुको मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। सी ये नीचे एक बिल्कुल मैदान की तरह है यहाँ पे दिस साइड, और ये उसके पीछे फिर से एक खाई है, देन ये एक माउंटेन है। सो अगर कोई रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो आई डोंट नो कि इस पर कर सकते नहीं, लेकिन ये लग मुझे ऐसी रहा कि पूरा रॉक क्लाइंबिंग करके आप एक टॉप पे जा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं पूरा प्लेन है ये एरिया, वहाँ पे उसकी बीच में खाई है, यहाँ से खाई देन प्लेन फिर खाई। आप देख सकते हैं सामने माउंटेन्स की शेप, और मैं इसी शेप की बात कर रहा था कि किस तरीके से मतलब पूरी माउंटेन की जो शेप है वो डिज़ाइन हो रखी है, और बहुत ही अलग टाइप की शेप है ये। जैसे अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे फ्रॉम सरचू टू पैंग वाला, उसमें पैरामिड्स से माउंटेन्स थे, माउंटेन्स के ऊपर पैरामिड पत्थर जैसे लगे हुए थे पैरामिड स्टाइल का, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। कंप्लीट ग्राउंड, कंप्लीट ग्राउंड दिस इज, यहाँ से नीचे जाएंगे 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 एंड वहाँ नीचे चले जाएंगे, और ये पूरा मैदानी एरिया है। अगर आप सोच रहे कि वो पहाड़ तक ये मैदान टच कर रहा है तो ऐसा नहीं है, उस कोने के बाद खाई है देन वो माउंटेन है। सो इसलिए ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है यहाँ पर। नूबरा वैली तो थोड़ी दूर रह गए यहाँ से डिस्किट, और फिर हुंडर। आई होप कि मैं थोड़ा टाइम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि कल भी ले आते आते रात हो गई थी, और अंधेरे में एक्सप्लोर करने का कुछ भी मज़ा नहीं आता। ये जो रिवर क्रॉस हो रहा है यहाँ से, लोग कैसे जाते होंगे उस साइड, और वहाँ पे भी लोगों के घर हैं। और ये देखिए ये कंप्लीट पूरा मिट्टी मिट्टी लग रहा है, इसमें तो पत्थर भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी लाके सजा दी होगी, और अगर थोड़ा सा भी इसको हिला दो तो पूरी मिट्टी गिर जाएगी। सो आई रीच्ड खलसर, और ऐसा कुछ नहीं है, खलसर में भी रुकने की बहुत सारी जगह है, और यहाँ पे राफ्टिंग का पॉइंट भी है खलसर में। सो यहाँ पे आके आप राफ्टिंग कर सकते हैं, और होम स्टे भी है, खाने का भी है। तो दिस इज़ खलसर, खलसर खल। सो देखो यहाँ पे पूरा स्टे है, लोग खा रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं, और अभी मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से डिस्किट की तरफ, और ये कैंप है सियाचिन का मिलिट्री कैंप खलसर में। सो दिस इज़ खलसर, और आप जब नूबरा 129 डिस्किट, देखा नहीं मैंने कितना रह गया, 129 रह गया यहाँ से। सो हुंडर इज़ 29 किलोमीटर फ्रॉम हेयर खलसर से। सो अभी एटलीस्ट मुझे लग रहा है 35 मिनट से ज़्यादा लगेंगे हुंडर तक पहुँचने में। और ये देखिए पूरा सियाचिन कैंप है मिलिट्री का, कितना अच्छा बना रखा है, कितना क्लीन साफ सुथरा। सुमूर यहाँ से 21 किलोमीटर है, सुमूर का व्यू है ये। सो एक बार यहाँ पे रोक लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है ये। मैं आराम से यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि पीछे से आने वाली है गाड़ियाँ। सो सी रिवर है, अच्छा खासा बहाव है यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं खड़ा हूँ अभी खलसर के पास, और यहाँ से डिस्किट है अभी 20-25 किलोमीटर के आसपास, और आप देख सकते हैं कि ये रिवर का जो फ्लो है अच्छा खासा है, और इधर भी माउंटेन है, और मेरे इस साइड भी माउंटेन है, उसके बीच से ये रिवर जा रही है, और ये रास्ता सीधा जा रहा है आगे पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, खलसर में रिवर राफ्टिंग होती है, बट अभी मालूम नहीं मुझे हो रही है या नहीं हो रही, बट काफ़ी बहाव है, तो आई थिंक अगर अलाउ होगा तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग लोग कर रहे होंगे। तो अगर आप लेह से आ रहे हैं तो
खाडुंगला होते हुए आपको नुब्रा वैली की तरफ आना है, और खलसर एक जगह है जहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। राफ्टिंग करने का मज़ा आ जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि मनाली वनाली आते हैं राफ्टिंग के लिए, सो अगर आप ले आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए खलसर पर, यहाँ से राफ्टिंग होती है। बट आप एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि इस टाइम पर राफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी चल रहा है सितंबर 2021, सो कोरोना प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या पता राफ्टिंग बंद हो, क्योंकि मुझे फ़िलहाल अभी यहाँ पे कोई राफ्टिंग करते हुए तो नहीं दिखाई दिया। वैसे बज चुके हैं 6:30, तो आई थिंक शाम को बंद भी हो जाती होगी। बट ये ट्रैक बना रखे हैं, आप यहाँ पर कार्टिंग कर सकते हैं। सो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, और एक बार चेक कर लेता हूँ किधर जाना है। सो ये सीधे वाला रास्ता तो पता नहीं लग रहा शायद कहाँ जा रहा है, बट डिस्किट के लिए इस रास्ते पे जाना है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? डिस्किट इधर जाना है। और ये कहाँ जा रहा है? ये वाला अच्छा बेस कैंप जा रहा है। सो ये वाला रास्ता जा रहा है डिस्किट। सो मैंने यहाँ पे तेल भरवा लिया एक बार फुल टैंक। वैसे आपको डिस्किट में भी पंप मिल जाएगा, बट मेरा ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा ही आया 4-5 लीटर। तो मैंने कहा यहाँ पे एक बार फुल करा लेते हैं, और मैं एक्स्ट्रा लेके भी चल रहा हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि कल अगर टुटुक की तरफ जाऊँगा तो जो लास्ट पंप है वो आपको डिस्किट में मिलेगा, तो मैंने अभी भरा लिया ताकि सुबह पंप में जाके लाइन पे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरा भरू के निकल लो, और आप ये नुब्रा वैली का व्यू देखिए। सो दिस इज़ नुब्रा वैली, और ये है स्ट्रेट रोड। यहाँ से बचा है डिस्किट 14 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 6:30, और ये थोड़ी सी फिर से चढ़ाई शुरू हो चुकी है डिस्किट के लिए, जो कि रह गया है यहाँ से 12 किलोमीटर। आई थिंक आपको भी अभी आगे दिख रहा होगा क्लियर, बट 15-20 मिनट के बाद हो जाएगा अंधेरा, और मुझे डिस्किट और उसके आगे है हंडर जो कि 4 किलोमीटर और है। सो टाइमली पहुंच जाऊं, बस भगवान अंधेरे में मत पहुँचाइयो, हल्का सा उजाला दे दे। ये आगे आर्मी का ट्रक फंस गया या ख़राब हो गया पता नहीं, बट भाई 10 किलोमीटर पहले अटक गए। ये आप सामने व्यू देखिए, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ, और ये पूरे माउंटेन्स हैं, और ये नीचे रिवर है जो यहाँ से जा रही है आगे की तरफ। एंड सी दिस द टॉप जहाँ पे पूरा स्नो रखा है, और हम अभी उसी साइड से आ रहे हैं खाडुंगला पास से, और अभी वो नीचे जहाँ पे रिफ्यूलिंग किया था पेट्रोल भराया था वो जगह थी, अगर आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी लाइट जली हुई है वहाँ पर। सो सी दिस इज़ द नुब्रा वैली, एंड अभी तो फ़िलहाल अटक गए, जैसे निकलते हैं देखते हैं यार। ये देखो कैसे अटका हुआ है सारा मामला, तो ये बाजी लेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा सर थोड़ा सा, और बस इतनी सी जगह बन गई। समझ लो भैया बाइक तो निकल गई, हो गया काम, और हम निकल गए, हमारा रास्ता तो बाइक का हो गया क्लियर। और जिनके पास है गाड़ी 4-व्हीलर वो अटक गए, अब वो कितनी देर के लिए अटके हैं ये नहीं मालूम। सो हमको आई थिंक वहाँ जाना है लास्ट में कहीं, ये डिस्किट के अंदर आपका और मेरा स्वागत है। ये एक होटल है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, होटल चारवान। सो रहने की कोई दिक्कत नहीं है,
सी अगर आपको दिख रहा होगा अभी। सो हम एंट्री ले रहे हैं डिस्किट के अंदर और आज का स्टे अभी फ़िलहाल तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ करेंगे। सो भाई साहब डिस्किट कर लिया है क्रॉस और मैं जा रहा हूँ थोड़ा और आगे की तरफ, वो है हुंडर। हुंडर है यहाँ से 7 किलोमीटर। सो हुंडर की तरफ चलते हैं। हुंडर पहुँच जाएंगे यहाँ से हम 15 से 20 मिनट में मैं हुंडर पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे जाके करेंगे होम स्टे। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं हुंडर और आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी मैं हुंडर के अंदर हूं और यहां पे रहने की कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह पे होटल्स और होम स्टे बने हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बाइक से चल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ पे स्टे किया जाए। ये कैंप है, यहाँ पे भी एक स्टे है अंदर, ये देखिए यहाँ पे भी होम स्टे है। सो हुंडर में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आराम से आओ, बहुत होम स्टे मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ इस समय अपने होटल के अंदर हुंडर में और फिलहाल जो डील मिली है वो मैं सारी चीज़ें आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। सो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रूम है यहाँ पे और आपको अभी कुछ व्यू दिखेगा नहीं, वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि हुंडर का जो व्यू है वो कैसा है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।